नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इतिहास में कई ऐसे किस्से होते हैं, कई ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें जब आप कुरेदेंगे और परत पर लाएंगे तो इसे सुनकर और जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर साल 1991 की, जब पंडारा के डीवर गांव में सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि 17 तारीख को इस मामले में एफआईआर होती है और एफआईआर होती है नीतीश कुमार समेत 5 अन्य लोगों पर। जी हां, नीतीश कुमार, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर एफआईआर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला उस वक्त ऐसा क्या कुछ हो गया था। देखिए, आपको बता दें कि इस मामले ने कई सारे दिलचस्प मोड़ भी लिए थे। क्या कुछ हुआ था, आज हम उसी किस्से को जानेंगे। और इस किस्से को सुनाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं, जो ये किस्सा काफी करीब से जानते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कहानी को इन्होंने खुद जिया भी है। तो हम चाहेंगे अरुण जी कि आप इतिहास के पन्नों को पलटिए और इस कहानी को और इस किस्से को हमें एक बार सुनाइए। क्या हुआ था 16 नवंबर साल 1991 में? देखिए, आप आज इस घटना की चर्चा कर रही हैं और वो इतिहास के पन्नों में सचमुच में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी एक अलग छवि है। लोग कहते हैं कि राजनीति में साफ सुथरी छवि, अब वो नीतीश कुमार हत्या आरोपी है। ये एक मामला था और वो तब की बात आप कर रही हैं जब बार लोकसभा क्षेत्र था और नीतीश कुमार उसका प्रतिनिधित्व कई बार किए, और वो 1991 की जो बात आपने कही, वो जमाना दौर था जबकि बिहार चुनावी हिंसा के लिए, बूथ लूट के लिए, हत्या, बूथ पर मारपीट, ये सब के लिए कुख्यात था, बड़ा बदनाम जी। कोई ऐसा चुनाव नहीं था, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव, दर्जन की संख्या में लोगों की जान जाती थी, एक दूसरे के समर्थक। वो दौर था जब अपराधियों का राजनीति में बोलबाला हुआ करता था। हाँ, बोलबाला हुआ करता था और लोग बूथ लूट के लिए वैसे लोगों का सहारा लेने लगे थे जी। अब वो संजोग ऐसा था कि मैं उन दिनों हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान पटना में रिपोर्टर था और 91 नहीं, पहले भी और उसके बाद के दिनों में शायद कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें कि विधानसभा का हो या लोकसभा को जी। मैं वोटिंग के दिन, एक वोटिंग का भी ट्रेंड की रिपोर्ट होती थी, तो उस दिन बाढ़ मुकामा, बख्तियारपुर, हरनौत और चंडी, ये कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा क्षेत्र का पार्ट था। नीतीश कुमार 91 में कैंडिडेट थे और ये संयोग था कि हम लोग निकले जनता पार्टी के। हाँ, हम लोग निकले और बूथ वाइज कुछ कुछ गए, रिपोर्टर साथ में थे, मुझे याद है उस समय अशोक मिश्रा AKM 111 हिंदुस्तान टाइम्स के हमारे सहयोगी रिपोर्टर थे, हम लोग बूथ वो रिपोर्टिंग करते थे और शाम को फिर लौट करके एक समेकित रिपोर्ट, बूथ का क्या हालचाल है, क्या देखा जी, जी, जी। उसकी रिपोर्ट हम लोग करते। अब ये जो आपने चर्चा आज जिस इतिहास के पन्ने को आप कह रही हैं, वो पंडारक थाने का डीवर गांव था और उस गांव में इसके पहले 10-12 बूथ हम लोग देख चुके थे जहाँ कहीं उस समय बैलेट बॉक्स से मत पेटिका के सहारे वोटिंग होती थी जी। तो करता क्या था लोग की जो हमारे पक्ष का बूथ नहीं है तो वहाँ वोट पड़ा हुआ है तो गया और जबरन जाकर के कुछ दबंग लोग उसको छीन लिया, उसमें पानी डाल दिया, बैलेट बॉक्स को कहीं यानी कि नष्ट कर दिया। हाँ, नष्ट कर दिया ढंग से सब कुछ चलता था और जो जो विरोधी का बूथ होता था इसी के लिए बदनाम था, उसमें कहीं हिंसा हो जाती थी। जिस गांव की आपने चर्चा की, डीवर गांव का, और वहाँ हम लोग अभी पहुँचने ही वाले थे मेन रोड से, वो गाँव हमें अभी भी याद है, इस सड़क के उत्तर तरफ है वो गांव, इधर से मुकामा जाने में तो हम लगता है कि उसे कितना दूर होंगे, हम लोग लगता है कि हाफ किलोमीटर
भी शायद नहीं होगा। मेन रोड से हम लोग जा ही रहे थे, कई बूथ देख चुके थे, तो आवाज आई गोलियों की। हाँ, गोलियों की आवाज आई। तो हम लोग दोनों तीनों थे, हम और एक एम और मोटर का, यार आगे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। तो थोड़ा सा हम लोग धीमे कर लो गाड़ी, एम्बेसडर कार उन दिनों वही पॉपुलर था, कंपनी के तरफ से हम लोग जाते थे घूमने। अभी धीमे कर रहे थे, तब तक फिर शोर भी सुनाई दिया, शोरगुल भी सुनाई दिया और गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। जैसे मारो मारो टाइप से कुछ इस तरह की आवाज हो रही है। तो हम लोग अभी सहम गए, हाँ सहम गए। और इसके बाद थोड़ी दूर, मतलब डीवर से कट से और थोड़ा सा हमको लगता है कि मुश्किल से 15-20-25 किलोमीटर इधर ही हम लोग कहे रुको यार कहीं हम लोग चलेंगे, लेकिन फिर लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा हो गया है। तब तक देखा कि उधर से 2-3 गाड़ी, उसमें कुछ दबंग लोगों की जमात, वो लोग तो खुद सहमत है, तो उसमें किसको पहचानते, कोई कौन था क्या था उसमें, क्या मैं बताऊं आपसे। लेकिन सचमुच में सहमना स्वाभाविक था, हमारे पास तो सिर्फ कलम थी और क्या था, और एक सहयोगी के पास एक के पास कैमरा था, बाकी रिपोर्टर के पास तो वही तो उसका नैतिक ताकत कहिए, वही उसका सब कुछ हथियार है। जी जी जी। और बाद में डायरी भी होती है जिसमें आदमी नोट करता है। खैर देखा कि 2-3 गाड़ी और सब एकदम जिसको कहिए कि विजय भाव मुद्रा में, कि जैसे हथियार के साथ, हथियार के साथ था, बूथ से निकल रहे थे, बूथ से करके गांव से, और वो मेन रोड पर, मेन रोड पर आ रहे थे वो लोग। हमको लगता है कि आए वो लोग पश्चिम के, दिजर से हम लोग जा रहे थे पश्चिम से पूरब की ओर, फिर वो लोग अपना, हम लोग गाड़ी थोड़ा जान के किनारा पहले से रखे थे, देखे तो चलो, हम कहा कि ये सब अब जो बवालियों का झंझट कफला गया, चले हम लोग वहाँ सुर पहुँच गए हम लोग पर। ये मैं कहूँ आपको कि वो बूथ पर कोई बाहरी, डीवर गांव के बाहरी कोई पहुँचने वाला कोई बाहर का व्यक्ति था, तो पुलिस के भी पहले कैमरा की टीम और हम रिपोर्टर पहुँच गए। अब वहाँ सब फिर लोग बताने लगा कि कितने बजे का वाकया होगा, कि शाम का है, शाम का वाकया, शाम को वाकया है, मैंने अभी वोटिंग हो रही थी अभी, हमको लगता है घंटा 2-3 घंटा बाकी होगा, 2 घंटा तो वो हो गई। इसके बाद लोग अपना तरह तरह की बात कर रहा था, वहाँ अफरा तफरी मची थी वो वहाँ अभी। अभी तो वो घायल था कि तो कहा मार दिया सीताराम सिंह उस समय, और वो जो कुछ हुआ उसके बाद फिर पूछे हम लोग जो भी कुछ हुआ कि उस बूथ पर, अभी रिपोर्टर तो सिर्फ एक घटना ना रिपोर्ट करता है कि वहाँ बूथ पर हिंसा हुई, किसकी हत्या हो गई, केस के तफ्तीश में जाना, वो सब तो वो पुलिस का काम है जी, बिल्कुल। फिर वहाँ से हम लोग लगता है कि 10-15 मिनट हम लोग रुके, लोग जो बताया जो कुछ कहा उस समय की, तो अब कौन दबंग व्यक्ति था क्या था, तरह तरह की बात लोग कर रहे थे, पलवा था कि चला। फिर वहाँ से चले फिर मोकामा तक गए, और फिर वहाँ से कुछ कम करके, एक तो एक घटना तो हम लोग चश्मदीद, फिर कई बूथ में हम लोगों ने देखा उसी तरह का माजरा, कहीं बूथ टूटा हुआ है, कहीं अपना तक भी बड़ा आतंक है, बताया कि यहाँ आकर के फलना को मारा, मारपीट किया, ये किया, सब 8-10 जगह इस तरह की घटना देखी, 8-10 जगह इस तरह की घटना हुई, रुहान मैंने क्रैश वाली। और वहाँ तो बाद में जो हम लोग लौटे तो लगता है कि 6-6:30 बज रहा होगा, तो बख्तियारपुर लौट रहे थे, फिर हम लोग को पटना आना था, उसमें वही जो नई सड़क बन गई है ना, फोरलेन उस समय थोड़े थी, वही मेन रोड था। लौटे हम लोग को नीतीश कुमार का गांव बख्तियारपुर में ही है घर, तो देखे कि वहाँ की गाड़ी उड़ी लगी है, मालूम हुआ कि नीतीश कुमार हैं, तो हम लोग चले यार हम लोग मंदिर, तो वहाँ देखे लोग गए, तो फिर नीतीश कुमार से भेंट हुई, अरे हम कहा हाँ हम लोग तो स्वाभाविक इलाके में आज वहाँ देखा कि बड़ा ये हुआ, तो बताया कि हम तो हरनौत से आ रहे हैं, हरनौत में थे तो इस तरह की बात सुनने को मिली है, कुछ से दुख भी जता रहे थे कि भाई चुनाव में हिंसा होती है, कहा कि क्या कहा जाएगा सो। अब वो आए, हम लोगों ने जो रिपोर्ट की, दूसरे दिन की बात हुई कि वो नीतीश कुमार ही केस के हत्यारोपी बनाए गए, ये था कि उन्होंने दिया जो सबके सामने है वो मामला, उस समय लालू से नीतीश कुमार की दोस्ती थी,
और उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हाँ, थे बिहार के। कहा जी कि वो थी और 90 में आया, लालू जी सरकार बनाया तब तो दोस्ती थी। और फिर बाद में कई महीने के बाद फिर अखबार उखबार में खबर छपने लगी, जो बातें होती थी आरोप प्रत्यारोप, और फिर वो चर्चा हुई कि भाई पुलिस जांच में कोई साक्ष्य नहीं पाया, नीतीश कुमार वहां थे नहीं, इस तरह का कोई साक्ष सबूत नहीं मिला, तब पुलिस ने उस केस में उनको वही बरी कर दिया। पुलिस ने क्लीन चिट दे दी नीतीश कुमार को जी। बाद के दिन में फिर अखबार में चर्चा हुई कि उसमें पहले तो ये सब हत्या का केस जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक की मामला गया जी। और उसमें फिर वो कुछ मुझे याद है कि हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कुछ नीचे के निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगी थी बिल्कुल जी, लेकिन तत्कालीन कोई अब उतना हमको फैक्ट नहीं याद है। आप बात करें घटना तो हम लोगों ने बताया आपको, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई को जो आप कहेंगे कि शायद मनाही थी, इसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया जी। फिर उसको भी कन्फ्रंट किया हाई कोर्ट ने, उनको फिर जो इसे एग्जोनरेट कर दिया जो पुलिस की जांच थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, लोग गए जी तो सुप्रीम कोर्ट में उनको भी क्लीन। लेकिन ये मामला फिर जब बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, अच्छा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो जब बन गए जी और लालू जी से संबंध तीखा हो गया, ये बात के दिनों में मैं कह रहा हूँ, तो वो नीतीश कुमार ने इसको पूरा किए तो हत्यारा है चीफ मिनिस्टर, केस का हत्यारोपी है, मतलब लालू जी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष कसा, कटाक्ष नहीं एक मुद्दा बनाया कि वह ऐसा चीफ मिनिस्टर जो है वो हत्या केस का ये तो आरोपी है। जहाँ तक मैं पढ़ रही थी और मुझे भी याद है कि बजाबते फेसबुक पर भी लिख दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस फेसबुक पर तो लिखना तो आजकल तो ये तो बयान देने का एक तरीका ना हो गया। माने जिस लालू जी के राजपाट की पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया था, मैं ये बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स क्या होती है, वो एक अजीब बात हुई। तो एक वाक्या में फिर नीतीश कुमार आज भी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने केस से बड़ी हो गए, वो उनको कोई साक्ष्य पुलिस को ही नहीं मिली थी, लेकिन आज भी जो कहते हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन वो दामन पर एक तो कहीं ना कहीं एक चीटे जैसे, हाँ ये तो चर्चा होती ही ना, तो पॉलिटिक्स में यही बात आपसे करते हैं। जिसके बाद जेडीयू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सब काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सब देखिए बार पलटवार जी ये सब तो चलता रहा ना, माने वो नीतीश कुमार के पक्ष लोग के लेकर के, फिर कभी क्या कभी नीतीश कुमार ने इस मामले में कुछ कहा है सामने से? तो नहीं, नीतीश कुमार इसको क्या कहते हैं, नीतीश कुमार तो जो उनकी पुलिस जो पार्टी क्या कहती, पार्टी जो था कि भाई ये गलत केस है, झूठा केस है, राजनीतिक प्रतिशोध से कोई भी जो रहेगा भी तब भी या न रहेगा तब भी हाँ बिल्कुल यही देगा वो। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि उस दिन अब उस केस में तो कहीं शाम को जब भेंट हुई तो मैंने बताया ना आपको कि घटना के दिन उसके बाद हाँ 2-2.5 घंटे के बाद तो नीतीश कुमार से उनके घर पर भेंट हुई और सब फिर हम लोग के साथ फिर वहाँ कुछ हम लोग चाय नाश्ता हाँ भी हुआ जी। और सिचुएशन तो जब इस तरह का होता है टेंस हो ही नहीं जाता है, तो ये घटना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है, लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गए, अब बाल कंसेंसी भी नहीं है, तो बाल कंसेंसी का वजूद ही खत्म हो गया। वो अंतिम चुनाव था, सीताराम सिंह के परिवार का क्या हुआ? हाँ सीताराम तो एक हत्या हो गई ना एक की, बिल्कुल अब उसके बाद क्या होगा, वो राजनीति में कोई किसी परिवार से एक किसी की हत्या हो जाए तो परिवार के बारे में विक्टिम्स परिवार को फिर कौन उस भले कोई राजनीतिक इस्तेमाल करता रहे क्या होगा। सीताराम सिंह थोड़े लौट करके वो तो चुनावी हिंसा के शिकार हो गए, जिस किसी ने की हत्या उस केस में फिर क्या हुआ, तो हमको लगता है कि उस केस में उस समय जो पुलिस की खबर छपी थी अखबार में छपी थी उस समय कि अब जो अभियुक्त था जिन लोगों के नाम दिए गए थे उसमें नीतीश कुमार को तो नाम था ही, पुलिस की जांच रिपोर्ट में आई कि जो ऐसा अपराधी है कि उसके खिलाफ कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब वो पुलिस का भी छानबीन में ये बातें नहीं है। तो अब सीताराम सिंह का क्या हो गया, या उस विक्टिम परिवार की बात पूछते हैं तो क्या होना था, चुनावी हिंसा के वो शिकार हो गए जी। लेकिन नीतीश कुमार की बात जो मैंने आपसे कही कि उनके राजनीतिक जीवन में
तो वो एक हत्या की वो घटना कि कभी पॉलिटिक्स में, हम तो हम लोगों ने तो कभी चुनाव, कई चुनाव देखा, और उस चुनाव में मैंने आपसे कहा कि आज भी वो 91 की वो घटना याद होती है, तो मुझे ये याद होता है कि दूसरे दिन मालूम हुआ कि जिस केस में वो हत्या आरोपी बनाए गए, तो शाम को तो हम लोग को उनसे भेंट हुई थी, बिल्कुल। नीतीश कुमार की एक अलग छवि थी, प्लेस ऑफ अकरेंस पे आप लोग सबसे पहले पहुंचे थे, देखे थे जी। ये सब तो बात थी, लेकिन वही कहा ना आपसे कि पॉलिटिक्स में बहुत सारा चीज, कब किस कोई आपके लिए कवच है, कभी वही फिर आपके लिए तलवार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू नीतीश की दोस्ती, लालू नीतीश की राजनीतिक दुश्मनी, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ एक हत्या का केस होना, उसका फिर किस तरह से राजनीतिक वार पलटवार, बिल्कुल बिल्कुल कुल जी। चीज आज भी जब बात होती है तो जो नीतीश के विरोधी हैं, उनके आलोचक हैं, वो एक परिचर्चा कर ही न देंगे। बिल्कुल करते हैं जी। और अब ये भी तब याद करना होगा कि भाई लालू जी तो ही उनके दोस्त करीब थे, उन सरकार में उनकी सरकार, उनकी पुलिस ने उनको क्लीन चिट आप दिया, मुख्यमंत्री थे, क्लीन चिट बिल्कुल दिया। जी 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 तो इसलिए कहा हत्या के केस में तो कोई किसी का होता है तो एसपी का सुपरविजन रिपोर्ट ही उसमें फाइनल होता है, नीचे वाला थोड़े होता है। तो ये सारी चर्चा हुई थी, थोड़े है कि गवर्नमेंट उस समय जो जिसकी गवर्नमेंट थी, लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अवगत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये घटना, इसलिए जब भी वो नीतीश कुमार के बारे में जब भी चीज को, तो नीतीश कुमार भी और उन्हें भी जब ये चर्चा होती होगी, शायद वो भूल भी गए होंगे कि नहीं भूले हों, कैसे भूले होंगे, उनके जीवन के लिए भी तो ये भूलने वाली कोई घटना है नहीं। बिल्कुल जी। और आपने आज चर्चा छेड़ दी तो हम लोग भी बता रहे हैं। बिल्कुल जी। और काफी करीब से आपने देखा है जी। कहा ना कि खास करके इस पेशे में जब आप रिपोर्टर हो, फील्ड में जाता हूँ, कई मुख्यमंत्रियों का, नीतीश कुमार का या और भी कांग्रेसी राज का, हम लोगों ने तो जो कुछ देखा है ना, तो देखिए बहुत सारा चीज ऐसा है ना कि पब्लिक में तो हम जैसे कही कि बहुत परोसा जाता है, तो उसको उसका डेंट पेंट करके भी मैंने वो छवि का, बिल्कुल बिल्कुल जी, समझे कि नहीं, लेकिन उसका अंदर खाने का जो कुछ आप देखिए, जो इनसाइड स्टोरी होती है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो आज हमने आप तक लाया है और हमने आपको बताया है कि ऐसा कौन सा मामला था जिस मामले में नीतीश कुमार पर ही एफआईआर हो गई थी, उस मामले में क्या कुछ हुआ है, ये भी हम लोगों ने आपको तफसील से बताया है। तो फिर ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।